जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सरहा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। बगैर किसी भूमिका के आइए सीधे सीधे चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को महिलाओं की समस्याएं सुने जाने का निर्देश जारी किया है और महिला समस्या निराकरण दिवस के तौर पर शुक्रवार को मनाया जाता है। आज भी कुछ महिलाओं की आवास संबंधी समस्याओं का निपटारा किया गया। ये समस्याएं पिछले 10 महीने से लंबित पड़े हुए थे, आखिरकार इन समस्याओं का निराकरण किया गया, इन महिलाओं को उनका आवास मिला। खुशी के आलम में महिलाओं ने डीएम साहब का स्वागत किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। एक महिला से हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान ने बातचीत भी की। ट्रक हाईजैक मामले में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। आज एक प्रेस मीट की गई और इस प्रेस मीट को संबोधित कर रहे थे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के डीसीपी डॉक्टर कुलदीप। उनके साथ थे आसनसोल नॉर्थ थाने के प्रभारी तन्मय राय। दरअसल 20 मई को एक ट्रक बांकुड़ा जिले के मिजिया से रॉड लोड करके निकली, लेकिन रास्ते में ही अपराधियों ने ट्रक को हाईजैक कर लिया और चालक और खलासी को अपहरित कर लिया। और इसके बाद जब रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट दर्ज कराई गई थाने में, इसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की और आखिरकार इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई और पुलिस इस मामले में और भी तहकीकात कर रही है। इस संदर्भ में पत्रकारों को खास तौर से जानकारी दी गई और डीसीपी डॉक्टर कुलदीप ने पत्रकारों को इस संदर्भ में विशेष। तो फिर मेरा ड्राइवर गाड़ी पे चढ़ा तो स्टार्ट हो गया, फिर उन लोग किधर ले गया टेलर को उसे कोई पता नहीं चला सर। आपका नाम? मेरा नाम बबलू कुमार, बिहार के रहने वाले। घटना ये हुआ था कि मेजिया से जो शाम स्टील का फैक्ट्री है वहाँ से अराउंड 40 टन जो है आयरन रॉड जो होता है, सरिया जो होता है, उसको लोड करके आगे डिलीवरी करने के लिए ट्रक रवाना हो गया था। जब वो खाना शायद खाना खाने के लिए उसकी ढाबा में जो है अराउंड रात के 11-12 बजे यहाँ पे रुका था, वो वहाँ पे रुकने के बाद पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी ब्लैक कलर की, वहाँ पे स्कॉर्पियो गाड़ी उसने पीछे रुकी और वहाँ पे गाड़ी से दोनों घुसे और ड्राइवर को बोला कि जो पीछे जो है वो जीएसटी ऑफिसर है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो जब ड्राइवर को लगा कि शायद सच में जीएसटी ऑफिसर होगा, तो ड्राइवर जब वहाँ पे गया तो उन्होंने ड्राइवर का अपहरण करके उसको गाड़ी में पकड़ लिया। 2-4 मिनट बाद जब ड्राइवर ने खलासी को कॉल किया, उसको भी वो गाड़ी में रख के इधर उधर घुमाने लग गए ताकि उसका उसको पता ना चले उसको कहाँ पर छोड़ दें। बाद में जो है ड्राइवर और खलासी को सुबह 5 बजे माने 21 की रात को सुबह 5 बजे उन्होंने ड्राइवर और खलासी को काली पानी के पास उतार दिया। इसके बीच में जो ट्रक में जो 41 टन जो माल था उसको जो है एक अंडाल में एक मून इंटरप्राइज करके शॉप है वहाँ उसका गोदाम है वहाँ पे उन्होंने रात में रख दिया था। जब कंप्लेंट रिसीव हुआ, कंप्लेंट रिसीव होने के बाद जो है स्पेशल टीम हमारे उसी नॉर्थ जो है तत्वर स्पेशल टीम तैयार करके उसको दायित्व दिया था। उसके बाद उन्होंने जो है मीडिया से लेके जितना भी सीसीटीवी कैमरा होगा आसनसोल में या दुर्गापुर साइड में सब सीसीटीवी कैमरा चेक किया और सोर्स इन्फॉर्मेशन उस टेक्निकल इम्प्रूव के चलते वो एक नंबर जो है मिला था। तो वो जो एक आदमी का नाम मिला था उसका नाम था तापस मंडल, उसके बड़ौल में बाद रखा गया था। वहाँ से ऑलमोस्ट 37 टन जो है ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसके बाद जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एक ही गाड़ी में मल्टीपल जगह पर जो है रेड हुआ। उस रेड में 4 लोग उसके बाद गिरफ्तार हुए थे, तो टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए उसके 4 जो है उसके बाद गए थे। 4 का नाम बता दूँ, प्रशांत दास, बल्लभपुर फाड़ी रानीगंज पी एस,
फैजल अली रानीगंज पीएस, नीरज खान पाटिल पीएस, होशियारनवाज आसनसोल नॉर्थ पीएस। इस तरह से टोटल पांच एक्ट्रेस है जो अरेस्ट हुए। उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पांचों एक्ट्रेस का जो है 10 दिन का रिमांड मिल चुका है और इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी चीजें सामने आएगी वो सब आपके सामने। मतलब आके पट्टी लगा के मार रहा था पूरा और कह रहा था कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम लोग कह रहे हैं बिहार के रहने वाले हैं और बहुत मारा सर और सब हाथ उठ पूरा मतलब खुल गया था, तो मतलब अभी सब अच्छी हुआ सर। कैसे हुआ ये? मतलब जैसे उधर से मतलब लौट करके चले सर, तो डीजल लिए 25,000 अथी 23,000 को, 2000 कैश दिया पैसा। वहाँ से फिर चले तो रोटी ढाबा है, तो रोटी ढाबा है तो खाना खाने के लिए रोके गाड़ी, तो वहाँ पे मतलब लोकेशन वाला को मतलब फ़ोन किए, तो उन लोग कहा कि ठीक है हम लोकेशन देंगे तो गाड़ी चलना। फिर उतने देरी में मतलब आ गया मतलब उन लोग जो लोग मतलब ब्लैक, कितना आदमी था? लोग 6 आदमी था, ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो था और उन लोग कह रहा था कि हम GST वाला हैं। तो पेपर दिखाओ, तो मेरा ड्राइवर पेपर दिया सर और कहा कि नीचे आओ सर बुला रहे हैं, तो नीचे गया तो अंदर में गाड़ी में घुसा के और पिस्टन सटा दिया और फिर कहा कि क्या चीज़ लोड है, तो हम लोग कहें कि छड़ लोड है, तो उन लोग कहा नहीं गांजा इसमें लोड है, तो ड्राइवर को कहा कि ये तुम लोग झूठ तू झूठ बोल रहा है जो खलासी बताएगा, तो हमको फिर ले गया। तो हम कहें कि क्या, कहा कि क्या चीज़ लोड है, तो हम कहें सर कि इसमें छड़ लोड हुआ, तो फिर मेरा भी अंदर ले गया, दोनों को आँख में पट्टी लगा दिया और लगा के फिर स्कॉर्पियो में बैठाया और कहा हल्ला करेगा तो ठोक देंगे यहीं पे, और अंदर ही ले जाके पूरा मतलब रात भर घुराया और बीच रास्ता में टेलर ख़राब हो गया। तो फिर मेरा ही ड्राइवर को कहा कि तू ही बनाएगा ना तो जान मार देंगे दोनों को। तो मेरा मतलब उन लोग भी मिस्त्री था, तो ताल उल जोड़ रहा था,